हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक डाउट मिला है मेरे को सेंटर ऑफ मास चैप्टर से. ओके, मैं अभी सॉल्व करके देता हूँ आपको इसको. क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ देता हूँ. टू यूनिफॉर्म रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स M1 एंड M2 हैव लेंथ 2 मीटर एंड 3 मीटर. ये दो आपके पास में रोड दे रखी है, एक की लेंथ है 2 मीटर और एक की लेंथ है 3 मीटर. ओके, उसके बाद में दिया हुआ है द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड्स M1 एंड M2 आर 1 kg पर मीटर एंड 2 kg पर मीटर. इस वाली का जो मास है वो है 1 kg पर मीटर, मतलब हर एक मीटर का जो मास है वो 1 किलोग्राम है. तो ये इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम. और दूसरे वाले का जो मास है वो दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ 2 kg per meter. 2 kg per meter मतलब 1 मीटर का 2 kg है, तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा 6 kg हो जाएगा. ओके, इफ द रोड्स आर अरेंज्ड एज शोन द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू द पॉइंट ओ. ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे, इसके रिलेटिव में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी. तो देखो, ये जो रोड है ये यूनिफॉर्म रोड है, और यूनिफॉर्म रोड का जो पूरा मास होता है वो मैं उसके सेंटर के ऊपर कंसेंट्रेट करके मान सकता हूँ. ओके, तो अगर इसका पूरा मास 2 kg का है और ये 2 मीटर की लेंथ है, तो मैं इस पूरे को एक लाइन पे बनाऊँ, तो ये पॉइंट ओ है. तो इसका पूरे का जो सेंटर ऑफ मास है मैं यहाँ पे मान सकता हूँ. तो ये 2 kg, इसको मैंने एक पॉइंट मास बना लिया, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों. ये पूरा 2 मीटर है, तो इसका सेंटर यहाँ से 1 मीटर पर होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 मीटर, 0, क्योंकि इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और ये वाई एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया. ये जो रोड का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है 6 किलो वाला, इसकी लेंथ है 3 मीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पे मिड में आएगा. तो बिल्कुल मिड में आएगा, तो मैंने यहाँ पे बना लिया, तो ये 6 किलोग्राम का दूसरा पार्टिकल हो गया, जिसकी पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितनी होगी. जरा देखो, ये पूरी 3 मीटर की है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1.5 मीटर. तो अगर ये 1.5 मीटर है और ये 2 मीटर है ना, तो 2 में अगर मैं 1.5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3.5, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3.5 मीटर, 0. तो मैंने इन दोनों रोड को 2 पॉइंट मासेस के में कन्वर्ट कर दिया है, और बस अब मेरा जो फेमस वाला फॉर्मूला है ना, जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बस वो लगा दिया मैंने. मेरा बच्चा जानता है कि वो फॉर्मूला कितना होता है एक्सीएम का, M1x1 + M2x2 / M1 + M2. ये मैंने वेक्टर लगा दिए, लेकिन यहाँ पर वेक्टर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा अपन को. हाँ, एक अगर इस तरफ होता तो फिर माइनस आता, फिर थोड़ा तकलीफ होती, लेकिन यहाँ कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. तो बस अब तो क्या है, हमारा काम हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. M1 × X1 मतलब 2 × 1 + M2 × X2 मतलब 6 × 3.5 / M1 + M2 मतलब 2 + 6. ये हो गया 2 + ये 6 × 3.5, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों आप, तो देखो कितना आएगा. ये आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा 8, है ना. तो ये हो जाएगा 23/8 करोगे तो कितना आएगा, ये लगभग 2.9 के आसपास आ जाएगा, 2.9 मीटर. ओके, और यही इसका आंसर हो जाएगा. आई थिंक आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा, और जो भी आपकी समस्या है यार, वो मेरी समस्या है. APG की दुनिया में आ जाओ और बस मस्त हो जाओ, बढ़िया से मेहनत करो, क्योंकि दुनिया में मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सफलता पाने का, मेहनत के थ्रू ही जाना पड़ेगा. तो मेहनत करो, और जो भी आपने सपना देखा है वो पूरा करो, मैं आपका पूरा साथ दूंगा. APG की दुनिया आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. ऑल द बेस्ट.